हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल एजुकेटर सो दिस इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ये क्लास टेंथ का चैप्टर है जिसमें हम लोग एम करेंगे इंपोर्टेंट एम जो भी होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग स्टार्ट करते हैं विच कंट्री हैज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस ऐसी कौन सी कंट्री है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ डेमोक्रेटिक ही थी तो इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नो no डाउट तो हम लोग इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए इंडिया नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अब इसमें हम लोगों को करेक्ट बताना है क्वेश्चन ऑप्शन ए डेमोक्रेसी नोट अ लैक बिहाइंड डिक्टरशिप ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी का डिक्टरशिप से कोई लेना देना नहीं है तो ये नहीं हो सकता है नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी इज़ नो गारंटी टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी ये नहीं कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम लोग साथ में करेंगे ये सिर्फ इक्वालिटी की बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करता है नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ही इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और यूएसए इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर एक रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेसी इज नोट गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज फेल टू बी द नोट सो गुड इट तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी जिसमें बोथ आर करेक्ट प्रैक्टिस एंड आउटकम्स सो इसका आंसर आएगा आपका दोनों वी कैन जज डेमोक्रेसी बाय हम लोग डेमोक्रेसी को कैसे जज कर सकते हैं अभी तो चैप्टर का नाम ही है तो इसका आंसर आएगा आपका आउटकम्स हम उसके रिजल्ट को देख के हम लोग डेमोक्रेसी को जज कर सकते हैं कि रिजल्ट अगर अच्छा है तो डेमोक्रेसी इसका मतलब सही से कवर कर रही है हाउ मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटीज सेटअप द गवर्नमेंट अगर हम लोग बात करें पूरी ऑल ओवर कंट्रीज में तो ऑल ओवर कंट्रीज में ऑलमोस्ट मोर देन हंड्रेड कंट्रीज जो है वो जो डेमोक्रेटिक को फॉलो करती है हमें पता है कि टोटल अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो 195 नाइन्टी अप्रॉक्स कंट्रीज हैं जिसमें से 100 कंट्रीज डेमोक्रेटिक को फॉलो करती है पीपल फील दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर टू प्रमोट पीपल किस किसके प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को इक्वालिटी डिग्निटी एंड फ्रीडम तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबाउ मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया है कि जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ है तो उसको आपको अगर नहीं आता है तो ऑल ऑफ द अबव ही करना है आपको उसका आंसर रूल ऑफ़ लॉ इन द फीचर्स ऑफ विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो रूल ऑफ लॉ की जो बात की गई है वो मोनारकी या डिक्टरशिप में तो बोला नहीं गया है ना इसका आंसर हम ऑल ऑफ ऑफ दीज लगाएंगे क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और हम डिक्टरशिप मोनार्की लगा दें तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको ऑल ऑफ़ दीज लगाना है लेकिन इसमें तो आप इजिली डिफाइन कर सकते हो कि इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है इसमें रूल्स के बारे में पूछा है तो इसका आंसर आएगा आपका डेमोक्रेसी मैनी कंट्रीज हैर दर्ल्ड क्लेम एंड प्रैक्टिसज तो ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो क्लेम और किस चीज़ पर करती है प्रैक्टिस पे काम करती हैं तो इसका आंसर आएगा आपका डेमोक्रेसी नेक्स्ट डेमोक्रेसी इज़ प्रिफर्ड ओवर डिक्टरशिप एवरी वेयर एक्सेप्ट यानी डेमोक्रेसी जो है वो ओवर डिक्टरशिप डेमोक्रेसी ओवर डिक्टरशिप से मतलब अच्छी मानी गई हैं किस को छोड़ के मतलब किस कंट्री को छोड़ के सभी डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं डिक्टरशिप से तो वो आपका आएगा पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों ने पढ़ा था 1999 में जो परीश मुशर्रफ थे उस टाइम पे मिलिट्री सिस्टम जो था वो इनका स्टार्ट हो गया था तो इसमें पाकिस्तान को छोड़ के सभी डिक्टरशिप को डेमोक्रेसी से अच्छा नहीं मानते लेकिन डेमोक्रेसी से अच्छा सिर्फ पाकिस्तान में माना जाता है डिक्टरशिप को द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नीड जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है ये किस चीज़ की इसमें ज़रूरत होती है तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज क्योंकि डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग वोट की भी बात करते हैं फ्रीडम की भी बात करते हैं और इलेक्शंस की भी बात करते हैं द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नीड इसका भी आपका आंसर वो ये वही सेम ही रिपीट हो गया है तो इसका भी ऑल ऑफ दीज है इसके बाद नेक्स्ट है आपका द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव जो रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है वो किस चीज़ में इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि वो इसमें आपका दोनों ही आएंगे द फर्स्ट इज और द नीड ऑफ द पीपल एंड इग्नोर डिमांड तो डिमांड्स को भी इग्नोर नहीं करता और ये लोगों की जरूरत को भी पूरा नहीं करता टाइम टू टाइम तो इसमें आपका आएगा बोथ ए एंड बी तो बोथ आर इनटरेक्ट पीपल शुड हैव वेलीगेंट एंड एंड पार्टिसिपेट टू एक्टिवली प्रोसेस जो इसका आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेमो रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें पता है इक्वालिटी की बात करता है इन्हांस एंड डिग्निटी की बात करता है मैं रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है बट डोज डज नॉट हैव रूम टू करेक्ट इसके लिए कोई अलग से रूम नहीं बनाया गया कि अगर आपने मिस्टेक किया तो चलो उस रूम में चलो आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं तो ये आपका बताया हुआ है दिस आर दिस इज़ इनकरेक्ट दस पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो किस चीज़ के लिए अकाउंट अकाउंटेबल होते हैं यानी किस किस चीज़ के लिए जवाबदेही होती है तो वो होती है आपकी लोगों के ऊपर यानी लोगों को जवाब देना पड़ता है अगर गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी डिसीज़न लिया है तो उसको लोगों को आंसरेबल होना पड़ेगा कि इन्होंने ये आंसर क्यों किया है और इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट क्यों यूज़ किए इसके बाद है रूल ऑफ वन इंडिविजुअल फीचर्स और मतलब अगर रूल ऑफ वन रूल ऑफ देखो अगर इस पे वर्ड आता है रूल ऑफ लॉ तो आपका आंसर आता है डेमोक्रेसी लेकिन इससे पूछा है रूल ऑफ वन इंडिविजुअल तो इसका आपका आंसर आएगा डिक्टरशिप डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड ऑन विच ग्राउंड डेमोक्रेसी जो है वो किस चीज पे फेल है करप्शन इनक्वालिटी लिटरेसी तो ये आपका ऑल ऑफ दीज आएगा नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट इज सुपीरियर ऑफ एनी अदर प्रमोट डिग्निटी तो जो आपकी सुपीरियर मानी जाती है हमने इतना देखा है कि हंड्रेड आउट ऑफ कंट्री अगर पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को फॉलो करती है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छे मतलब एक अच्छी चीज में मानी जाती है तो डेमोक्रेसी आपका इसका आंसर भी आएगा कि डिग्निटी को जो प्रमोट करता है दैट इज डेमोक्रेसी इन डेमोक्रेसी वी डू कम अक्रोस इवल प्रैक्टिस सस्टेस जो इसका आपका आंसर आएगा बहुत एंड एन पी ये आपका इनकम्प्लीट एम्सक्यूज है बट ये एक तरह से आपका नेगेटिव वे में पूछा गया है आपका तो इसलिए इसका करप्शन आपका आंसर इसमें दिखाया गया है नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी कैन लीड डेमोक्रेसी जो लीड करता है वो सभी को लीड करता है डिफरेंसेस आपका हैंडल सोशल डिफरेंसेस सेक्युलर सोसाइटी हारमोनियस सोशल लाइफ एंड ऑल ऑफ दीस तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीस लीस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी क्या सबसे कम एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इट कुड नॉट एकोडेट वेरियस सोशल लाइफ इट शुड प्रोड्यूस द हारमोनियस इट शुड द प्रोडक्शन कॉम्पिटिशन इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल इंटेंशन ये ऑब्वियसली बात है हमारी सोशल लाइफ को तो नहीं एकोडेट कर मतलब एकोडेट कर सकता है तो इसमें आएगा इट कैन नॉट एकोडेट मतलब प्रॉपर नहीं कर सकता ये हमारी सोशल लाइफ को पूरा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इट कैन नॉट एकोमोडेट वेरियस सोशल लाइफ डेमोक्रेसी अटेंड पीपल हैप्पीनेस बाय तो इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव क्योंकि जो डेमोक्रेसी है इसमें सब चीज़ों को मारा गया है देखो आप इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वो डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी है क्योंकि ये चाप्टर ही आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है यानी डेमोक्रेसी का रिजल्ट जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ों को पढ़ा है लेजिटिमेट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंसी तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर दिया गया है इसीलिए बार बार आपको फीचर्स ही पूछे गए हैं इसके बाद है डेमोक्रेसी इवन क्रोस द डिसीजन मेकिंग बेस्ड तो ये आपका ऑल ऑफ दीज आएगा आपका नॉर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों ऑप्शन का इसका आंसर है आपका वाई इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिगार्डिड एस ए बेटर चॉइस डेमोक्रेसी को बेटर चॉइस क्यों माना गया है तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी ए इसका डी आएगा या आपके ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गए हैं लास्ट ऑप्शन आपका डी है बोथ ए एंड सी यानी इट प्रमोट डिग्नि इट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन एंड इट प्रोवाइड द मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ये डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करता है ये याद रखना है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कुछ नहीं कहता है ये सिर्फ रिसॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को और इक्वालिटी लाता है सिटीजनस की नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कम्पेयर अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो विच वन इज नॉट अप्रोप्रिएट आपको यह याद रखना है कि आपसे नोट पूछा गया है या इज एन अप्रोप्रिएट पूछा गया है तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है तो इसका आंसर आएगा आपका नोट आएगा तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में तो बात नहीं कही गया है इसमें तो इसका ऑप्शन आएगा डी इट क्रिएट्स इकोनॉमिक इक्वालिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तो आपको मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता और आपको सबसे लॉन्ग जो ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका आंसर आएगा बट इसमें एक्चुअल में डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में इसमें बताया गया है इट प्रोड्यूस द गवर्नमेंट दैट अकाउंटेबल ऑफ द सिटीजन एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स तो इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसमें क्या चीज़ नहीं होती है ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है देखो इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की जा सकती है क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है हायर ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हैं बट इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया अगर नॉर्थ कोरिया में किंग जोम है अगर वो कोई डिसीज़न लेता है तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो ये नहीं बताएगा लोगों को कि ये डिसीज़न क्यों लिए क्योंकि वहाँ पर अकाउंटेबल को फॉलो नहीं करते हैं जो अकाउंटेबल को फॉलो किया जाता है वो इंडिया में किया जाता है तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रांसपेरेंसी तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो ये एम थे आपकी और sure आपके और आई एम श्योर इससे बाहर आपके एम